क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। कांच उड़ के हमें परिजनों के सब के ऊपर उड़ के उनके शरीर में घुस के उनको लग रहा है। उसमें छोटे बच्चे, बूढ़े जो है उनके हर किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को ये है, वो बहुत डर गए, वो उस प्रेशर के अंदर सब नीचे गिर गए। सबके ऊपर उड़ के मलबा आया है कि हाँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट होके ऐसे बहुत सारे नुकसान होते रहेंगे। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के डोंबिवली इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से बड़ा धमाका हुआ है। करीब 2 से 3 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। पूरा इलाका इस धमाके से दहल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई है और करीब 25 से भी ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। धमाकों से इमारतों की खिड़कियों की कांच तक टूट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद इन इमारतों में जो खिड़कियों पर कांच लगे हुए थे वो सभी टूट गए हैं। ये तस्वीरें हैं डोंबिवली की, जहां पर आज दोपहर के वक्त में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि ठाणे के डोंबिवली में एक फैक्ट्री में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। मौके पर आग बुझाने के लिए 15 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाई जा रही हैं। आपको बता दें कि धमाके के बाद आग की चपेट में मकान और सर्विस सेंटर भी आए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां भी जलने की खबर सामने आ रही है। जिस वक्त ये धमाका हुआ फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 25 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आग बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू भी जारी है। बताया जा रहा है कि धमाका आज दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास में हुआ है। धमाके के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो डोंबिवली की है, ये उस धमाके की तस्वीर है जो काले रंग का धुआं आसमान की तरफ जा रहा है और इस धमाके में 4 लोगों की जान ले ली है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस धमाके में मरने वालों के प्रति गहरा दुख जताया है। बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उन सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। ये ब्लास्ट हुआ तो उस दौरान आप कहाँ थे और घर में कितने लोग मौजूद थे? मैं घर में था, मैं मेरे परिवार के साथ था, मेरे छोटे बच्चे थे, हम सब हमारे घर पे ही थे। और ये बहुत बहुत बड़ी घटना है, इससे पहले भी ये बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। डॉट माउंट कंपनी के बाजू में एक ये थी, उससे बहुत बड़ी ये हुए। और हमेशा ये अभी डोंबिवली के जो रहवासी है इनके मन में डर है कि हाँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट होके ऐसे बहुत सारे नुकसान होते रहेंगे। ये है कि कांच उड़ के हमें परिजनों के सब के ऊपर उड़ के उनके शरीर में घुस के उनको लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी ये है। और इसमें छोटे बच्चे, बूढ़े जो है उनके हर किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को ये है, वो बहुत डर गए, उस प्रेशर के अंदर सब नीचे गिर गए बहुत सारी। और लोग रास्ते पे भी चल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, सबके ऊपर उड़ के मलबा आया है। वो एक एक जो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े जो है आप देख लेना, बहुत बहुत नुकसान है। और सबके शरीर में चुभी है, वो कांच होते लोखंड थे, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बहुत मलबा गिरा है यहाँ से लेके आप जाओगे तो पिंपलेश्वर वहाँ प्रकाश मात्रे जी है उनके घर पे जाके गिरा है। और मेरे ऊपर ही पूरा जो टेरेस के जो पूरे शेड है वो पूरे उखड़ गए। और ऑल ओवर ये जो रेडियस है, मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सबका नुकसान हुआ है, सब बर्बाद हो गए। वो साथ में भी बहुत ठीक है।
पड़ेगा।